हेलो दोस्तों, मैं ओपी सिंह मुंबई से और आप देख रहे हैं फिल्मी बज बेतोपी। आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही है टीवी में जो कि फैमिली के साथ देखने योग्य नहीं है, जिसमें एडल्ट कंटेंट और इरोटिक कंटेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे ही कुछ 8 वेब सीरीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट में पहले बना चुका हूं, उसमें मैंने बताया कौन कौन सी वेब सीरीज है जो आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहली वेब सीरीज है आज के एपिसोड में वो है मिस मैच। वो एक बंगाली वेब सीरीज है जो होई चोई में स्ट्रीम हो रही है और काफी आपत्तिजनक दृश्य है इसमें जो आप इसको बैठ करके नहीं देख सकते। मिसमैच को डायरेक्ट किया है सौमिक चट्टोपाध्याय ने। ऐसे वेब सीरीज की लिस्ट में दूसरा नाम है गार्बेज का। गार्बेज को डायरेक्ट किया है क्यू ने। उसका नाम ही क्यू है, ओनली क्यू लिखे हैं वो। और ये नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम हो रही है। ये ऐसे टैक्सी ड्राइवर की कहानी है, गोवा के एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर की कहानी है जो एक औरत को कैप्टिव कैद में करके रखते हैं अपने घर पे। ये भी उसी तरह की वेब सीरीज है, इरोटिक एडल्ट सीन्स एंड एवरीथिंग, नॉट सुटेबल वॉचिंग विद फैमिली। तीसरी वेब सीरीज है बैंग बाजा बारात। ये 2 क्रेजी फैमिलीज की कहानी है और एक मेंटल वेडिंग की, और इसे डायरेक्ट किया है आनंद तिवारी ने। प्राइम वीडियो में ये स्ट्रीम हो रही है और काफी आपत्तिजनक दृश्य हैं। अगर ये फिल्म होती, सेंसर बोर्ड में जाती, तो इस पे काफी कैंची चल जाती और इसे ए सर्टिफिकेट मिलता, लेकिन दुर्भाग्यवश वेब सीरीज के लिए कोई सर्टिफिकेशन अभी तक भारत सरकार ने लागू नहीं किया, इसलिए ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। नॉट सुटेबल वॉचिंग विद फैमिली, बैंग बाजा बारा। चौथी वेब सीरीज है विक्रम भट्ट की हद। हद एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इसमें भी काफी उस तरह के सीन है। आपको पता है विक्रम भट्ट जब इस तरह की फिल्में बनाते हैं, उनकी सारी फिल्में इस तरह की थ्रिलर होती है और उसमें न्यूडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। ये फिल्म सोनी लिप पे स्ट्रीम हो रही है जो फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है। पांचवी जो वेब सीरीज है उसके डायरेक्टर को आप अच्छी तरह से जानते हैं, राम गोपाल वर्मा। अब वो क्राइम थ्रिलर बनाते हैं और खास करके ऐसा लगता है राम गोपाल वर्मा अंडरवर्ल्ड से बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है और उसकी जितनी फिल्में होती है सब अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड होती है। वो बहुत ज्यादा प्रभावित है और उस तरह की फिल्में बनाती है। गन्स एंड थाइज उसी सीरीज में एक वेब सीरीज उन्होंने बनाया है, जिसकी रिलीज डेट और किस चैनल पे आएगी अभी तक कुछ पता नहीं है। ये कुछ लोगों को तो पसंद आ सकती है, लेकिन फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक ये फिल्म कदापि नहीं है। इसे आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। छड़ी वेब सीरीज जो इस कड़ी में आती है, जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, वो है देव डी। इसे अल्ट बालाजी पे स्ट्रीम किया जा रहा है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है केन घोष, और ये भी उसी तरह की कहानी है। इसमें एक भारतीय औरत की कहानी को दिखाया गया है, इंडियन वुमेन उस स्टीरियोटाइप में किस तरह से रहना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, और इसकी जो हीरोइन है वो इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करती है, और इसमें बहुत सारे उस तरह के सीन है। आपको मालूम है अल्ट बालाजी में ज्यादातर जो दिखाए जा रहे वेब सीरीज इसी तरह के हैं, जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। दोस्तों, इसके पहले कि मैं 7वें नंबर पे जाऊं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। अभी आज के दौर में ये इंडिया में खास करके एक तूफान सा आया हुआ है इस तरह के वेब सीरीज के और इस तरह के फिल्म के जिनमें सेंसर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पता ही होगा फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वेब सीरीज को वहां नहीं भेजना पड़ता है,
इसलिए इस तरह के सारे जो फिल्में हैं या वेब सीरीज है वो बहुत सारे अलग अलग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है इस तरह की वेब सीरीज को। तो आइए चलते हैं सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे जो है वो है ओ मदर। ओ मदर बंगाली और हिंदी दोनों में अवेलेबल है और ये अड्डा टाइम्स चैनल पे है। इसके डायरेक्टर हैं साकेत बैनर्जी। एडल्ट कॉमेडी वेब सीरीज है, इसे भी आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। इस कड़ी की जो आखिरी वेब सीरीज है वो है लस स्टोरीज, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है और जो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है, यह स्ट्रीम होगी। ये लस स्टोरीज, इसके नाम से ही पता चलता है कि किस तरह की स्टोरीज होगी। इसमें इंडियन वुमेन को दिखाया गया है और उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। शायद ये फिल्म भी आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे फैमिली के साथ बैठकर देखने के लिए। तो दोस्तों, यहां मैंने आज आप लोगों को 8 ऐसे वेब सीरीज बताए ये पार्ट 3 में, विच आर नॉट सुटेबल वॉचिंग विद फैमिली। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।